गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। यहाँ पर यूईएफए नेशंस लीग का मैच हो रहा है जर्मनी वर्सेस हंगरी के बीच 12:15 बजे। एंड बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, देन बात करें अगर हम इस मैच की जर्मनी और हंगरी में, इन दोनों टीम का मैच हुआ था अभी लगभग मेरे भाई 3 महीने पहले जून में हुआ था, तो जिसके अंदर जर्मनी टीम ने बीट कर दिया था, क्योंकि जर्मनी एक बड़े नंबर की टीम है, बड़ी टीम है। और बट अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी ना जितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, लेकिन वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लॉपी गेम खेल रही है। तो मेरे को लगता है कि जर्मनी का प्रदर्शन अच्छा करने के लिए जर्मनी को कुछ हद तक भाई साहब इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यूएफए नेशंस में जर्मनी जैसी टीम बाहर हो, ठीक है। उसके बाद हंगरी टीम की बात करें, ये तो चलता आई गई टीम है भाई, आई चलाई टीम है, ये बकवास टीम है, तो कुछ नहीं, जर्मनी इन्हें खा जाएगी। और बस जर्मनी को फेवर करो, आगे चलते हैं। तो मेरे भाई स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर हैवर्ट्स का बहुत बड़ा थैंक यू है भाई टीम को, क्योंकि मैं देखा जाए तो हैवर्ट्स एक बहुत ज़बरदस्त जेन्युइन गेम प्ले दे रहा है, पेनल्टी टेकिंग भी ये कर रहा है भाई, जबकि इनकी टीम में इतने पेनल्टी टेकर भर रखे हैं। इनकी टीम के अंदर वर्ट्स है, फलक्रग है, जे मुशियाला है जो कि पेनल्टी लेना जानता है, पी ग्रॉस को पेनल्टी लेनी आती, लेकिन जो दम इन्होंने इस बंदे पर दिखाया, मैं कहता हूँ हैवर्ट्स जैसा प्लेयर नहीं है भाई। उसके बाद अगर आगे बात करें, अगर ये फलक्रग को भेजते हैं तो जी मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन असल में मैं वर्ट्स को लेना चाहता हूँ। मैं वर्ट्स का गेम प्ले से वाकिफ़ हूँ, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मतलब मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि किस हद तक खेल सकता है, बहुत बड़ा बढ़िया गेम प्ले इस यंगस्टर का। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पर है रोलेंड सलई सेफ है, वैरगा रिस्की है। दम की बात करोगे तो इस वक्त वैरगा फॉर्म में है, तो जो बंदे रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब देखा जाए तो 1% बंदे इसे लेके आएंगे, मतलब कोई भी नहीं। तो अगर वैरगा पे रिस्क लेना चाहते हो तो ग्रैंड लीग वाले ले सकते हैं, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट वाले ले सकते हैं, और जो स्मॉल लीग खेल रहे हैं 2-3 मेंबर वाले, वो रोलेंड सलई के साथ सेफ जा सकते हैं, ऐसी कोई डर की बात नहीं है। और मिडफील्डिंग की बात करें तो डोमिनिक सबलजई द मेन प्लेयर, उसके बाद मेरा मन डी गैसडेक के साथ है, अगर गैसडेक खेलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा, अगर गैसडेक नहीं खेला तो मैं नेगी के साथ जाऊँगा, लेकिन मैं लूँगा मिडफील्डर ही, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद अगर ऑपोजिशन टीम की बात करें, देन जे मुसियाला का बहुत तगड़ा यहाँ पर रोल है, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन, इससे बेहतर कोई नहीं मेरे हिसाब से तो मिडफील्डिंग में। और ई कैन तो बहुत कमज़ोर गेम प्ले दे रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी जगह पर ना किसी ना अन्य प्लेयर को खिला दिया जाए। मतलब मैं तो देखो बेवकूफ़ी करना चाहता नहीं, मैं ज़बरदस्ती प्लेयर नहीं भरता भाई, मेरा टीम बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, मतलब मैं नहीं जो मन में आ रहा उठा लो इसको, नहीं तो इसको उठा लो, ऐसा नहीं भाई, वी हैव टू टेक मेन प्लेयर्स। तो इसलिए मैं डिफेंडिंग में आऊँगा और डिफेंडिंग सेक्शन में किमिच को लूँगा, क्योंकि किमिच को मिडफील्डिंग की खूब नॉलेज है, मिडफील्डर लेने से अच्छा है आप डिफेंडर कम मिडफील्डर ले लो जो किमिच है। उसके बाद जे ता के बाद डी रॉम के बाद स्क्लॉटरबैक तो ज़रूर खेलना चाहिए, मैं कहता हूँ स्क्लॉटरबैक को तो पक्का भेजो, अगर ये जर्मनी टीम स्क्लॉटरबैक को ड्रॉप करती है तो इनमें कमी है अगर ये ऐसा करते हैं। उसके बाद गोलकीपिंग की बात करें तो पीटर गुलेक्सी, बहुत पुराना प्लेयर, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हंगरी का। और बात करें कैप्टन की, तो लोग जिसको मर्जी रखें, आपने ऐसा करना है कि यू हैव टू मेक योर कैप्टन हैवर्ट्स। वाइस कैप्टन मेरा मन वर्ट्स के साथ था, लेकिन वर्ट्स इंटरनेशनल में थोड़ा डाउन हो जाता है गेम प्ले में, सो मुशियाला के साथ यहाँ पर जाऊँगा एज अ वाइस कैप्टन। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।